हेलो स्टूडेंट्स, आई एम टीचर स्विता। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इन टू उर्दू लेसन नंबर 8, क्रिसमस इन द एंटार्कटिक। स्टूडेंट्स, दिस लेसन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट बुक 3। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन एंड ट्रांसलेट इन टू उर्दू लाइन्स नंबर 1 टू लाइन्स नंबर 23। Now open up your books with me at page number 39. Students, I want to tell you that this story tells us about the determination of three Scottish men who had travelled through the snows of the Antarctic. On the first night, they caught up with the advance party. Advance, आगे जाने वाली, caught up से जा मिले। पहली रात वो आगे जाने वाली पार्टी के साथ जा मिले। Bad travelling conditions had seriously hampered their progress रफ्तार hampered रुकावट। बुरे सफरी हालात जो है वो उनकी रफ्तार में रुकावट का बाइस बने। For the next 2 weeks, अगले 2 हफ्तों में the parties travelled in relays, relays mean बारी बारी पार्टियों ने या ग्रोहों ने बारी बारी जो है वो सफ़र किया। वन ओवरटेकिंग द अदर, ओवरटेक मीन सबकत ले जाना, एक पार्टी दूसरे से आगे सबकत ले जाती या दूसरे से आगे बढ़ जाती। अनटिल द टाइम केम फॉर द स्पोर्ट पार्टी टू रिटर्न टू बेस, हत्ता के मुआवन पार्टी स्पोर्ट मुआवन पार्टी का वापस बेस में जाने का वक्त आ जाता। एडिड टू स्कॉट्स मिजरी, मिजरी मुसीबत ऑफ ड्राइविंग द डॉग्स, ड्राइविंग द डॉग्स कुत्तों को हांकने की, वॉ द रियलाइजेशन एहसास डैट द एनिमल्स वर नाट एज स्ट्रॉन्ग एज दे आउट टू हैव बीन। स्कॉट की कुत्तों को हांकने की मुसीबत में इस एहसास ने मज़ीद इजाफा कर दिया कि कुत्ते जो है वो इतने मजबूत नहीं जितना उनको होना चाहिए। प्रोबेबली गालबन एज अ रिज़ल्ट ऑफ बैड फूड, नामनासब खुराक की वजह से वो ऐसे हो गए थे। दिस मेंट मतलब इसका ये मतलब था डैट द मैन हैड टू लैंड अ हैंड, लैंड अ हैंड हाथ बटाना पड़ेगा, इंसानों को भी हाथ बटाना पड़ेगा। टू असिस्ट द डॉग्स, असिस्ट मदद के लिए डॉग्स कुत्तों की, इसका मतलब ये था कि इंसानों को भी कुत्तों की मदद के लिए हाथ बटाना पड़ेगा। एंड नाउ अ टीम ऑफ 3 men seemed too small, और अब 3 लोगों की जो पार्टी थी या ग्रोह था वो बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था। व्हेन दे वर 80 किलोमीटर्स फ्रॉम द लैंड एट द इनर एज, इनर अंदरूनी एज किनारा ऑफ द ग्रेट आइस बैरियर, ग्रेट आइस बैरियर बर्फ़ानी तोदा, जब वो बर्फ़ानी तोदे के अंदरूनी किनारे में वाक़या इलाके से 80 किलोमीटर दूर थे। दे रैन इन टू स्नो सो सॉफ्ट डैट मैन डॉग्स स्लेजिस बर्फ़ानी गाड़ियाँ बिकेम स्टक, स्टक मीन फंस के फास्ट बहुत ज़्यादा, जब के उन वो फिर ऐसी बर्फ़ में जा निकले जो कि बहुत ही नरम थी और इंसान कुत्ते और उनकी बर्फ़ानी गाड़ियाँ जो है वो बर्फ़ में धंस गई या बर्फ़ में बहुत ज़्यादा फंस गई। दीज डिलेज, डिलेज ताखीर इरीटेटेड स्कॉट एंड मेड हिम इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मशतल एंड समटाइम्स बैड टेम्पर और बदमजाज, इन ताहिरों ने स्कॉट को बहुत ही बदमजाज और चिड़चिड़ा कर दी और मशतल कर दिया था। बट ही लर्नड दैट ही मस्ट कंट्रोल हिज फीलिंग्स एंड हिज वर्ड्स, लेकिन उसने सीखा कि उसको अपने जज्बात और अपने अल्फाज पर काबू पाना है। There were other problems too. इसके अलावा भी कहीं दूसरे मुसीबतें थी या मसाइल थे। For all their practicing मशक, उन सब की मशक करने के बावजूद भी no one was able to manage his skis well, skis बर्फ़ानी जूते, वो लोग जो है कि अपनी बर्फ़ानी जूतों में चलने सही तरीके से चल नहीं कर रहे थे, हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी मशक भी की थी। देयर फेसिस बिकेम ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड मीन छाले पड़ गए थे उनके चेहरों पर। बाय द ग्लेयर फ्राम द स्नो, ग्लेयर बर्फ़ की चंदिया देने वाली रोशनी की वजह से।
एंड दे सफर फ्राम स्नो ब्लाइंडनेस स्नो ब्लाइंडनेस और उनको बर्फ़ का अंधापन जो है वो लाहक हो गया था इन स्पाइट ऑफ वेयरिंग वुडन आई मास्क, हालांकि उन तीनों ने लकड़ी के बने हुए आंखों पर मास्क पहने हुए थे। दीज वर कार्व्ड मीन वो लकड़ी के मास्क जो है वो बनाए गए थे या तराशे गए थे फ्राम वुड टू फिट ओवर द आईज, ऐसी लकड़ी से जो कि और इस तरह के वो उनकी आंखों पर मुकम्मल तौर पर फिट आ जाते थे। एंड हैड स्लिट्स सुराख और उन मास्क के अंदर छोटे छोटे सुराख थे इन द शेप ऑफ क्रॉस स्लीप की शक्ल के बने हुए विच लेट इन अ मिनिमम अमाउंट मिनिमम कम अज़ कम ऑफ लाइट, जिन ऐसे सुराख जिनमें से कम अज़ कम रोशनी जो है वो अंदर जा सकती थी। फूड एंड ऑयल बिकेम शॉर्ट, खुराक और तेल वो भी कम पड़ गए स्पेशली आफ्टर वन डॉग ब्रोक लूज मीन जब एक कुत्ता खुल कर भागा एंड द वीक सप्लाई दस्तयाबी ऑफ मील सील मील और उस कुत्ते ने एक हफ्ते का जो दस्तयाब सील का गोश्त था उसको खा लिया। नो द थ्री हंग्री मैन, अब तीनों ही भूखे इंसान थॉट सोचते स्पोक बोलते एंड रोट अबाउट फूड और लिखते अबाउट फूड खुराक के बारे में ही। दे ड्रैम्ड ऑफ डिलीशियस डिशेस, ड्रैम्ड में उनको ख्वाब आते डिलीशियस खूब मज़ेदार डिशेस खानों के। एंड हैड नाइटमेयर्स व्हेन दे डिसअपीयर्ड मीन गायब हो जाते और जब वो ख्वाब गायब हो जाते तो वो नाइटमेयर्स तो वो ड्रोने ख्वाब की शक्ल अख्तियार कर लेते। हंगर मेड देम सस्पिशियस मशकूक ऑफ वन अनदर, भूख ने उन तीनों को एक दूसरे पर शक करने पर मजबूर कर दिया था या भूख की वजह से वो तीनों एक दूसरे पर शक करने लगे थे। अनटिल शेकल्टन हिट अपॉन अ ब्राइट आइडिया और एक बहुत अच्छा जो है वो एक अनोखा ख्याल था कि शेकल्टन को एक बहुत ही अच्छा और अनोखा ख्याल सूझा डेट एंश्योर्ड फेयर शेयर्स, जिस की बदौलत खाने की जो है फेयर दयानतदाराना शेयर्स तकसीम जो है वो मुमकिन हो गई। स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन।